शनिवार को कृषिपज मंडी में किसानों द्वारा कम तौल किए जाने की शिकायत को लेकर हंगामा किया गया, जिसके बाद तहसीलदार रवीना पाटीदार ने तौल कांटे की जांच कराकर किसानों की बातों को सुना। वहीं सोमवार को महेश्वर से नापतौल विभाग के आला अधिकारी एवं इंदौर से इंजीनियर 30 टन वजनी तौल कांटे पर नापतौल कर मूल्यांकन किया, जिसमें अधिकारी ने बताया कि कांटे में कोई गड़बड़ी नहीं है, वही अपने सही वजन अनुसार निर्धारण बता रहा है। महेश्वर से नापतौल अधिकारी आयुष पाठक और इंजीनियर आरएस दसौसिया ने सोमवार को तौल कांटे का परीक्षण किया। इंजीनियर दसौसिया ने बताया कि तौल कांटे का अलग अलग से वजन किया गया है, पहले बढ़ते क्रम में एवं बाद में घटते क्रम में जांच की गई है। साथ ही तौल पर वाहन टक्कर भी जांच की गई है, जो सही दर्शा रही है। जांच के समय किसान भी मौजूद थे, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। वहीं कांटे में पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है, उसमें 2-4 किलो का डिफरेंस हवा एवं अन्य कारणों से आता है, जो कि सामान्यतः सभी जगह पर पाया जाता है। वहीं किसानों ने बताया कि विभाग द्वारा जांच कर किसानों की संतुष्टि के लिए कार्य किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि मंडी में तौल कांटे की जांच का कार्य सभी किसानों के सामने होने से उनमें गलतफहमी दूर हुई है। मंडी सचिव डी एस शेखावत ने बताया कि जांच दल ने कांटों की जांच की है, जो सही दर्शाई गई है। हम भी किसानों को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज आपने जांच की है, क्या पाया सर? सर इसमें वैसे एक्चुअली ज्यादा देखा जाए तो मेरा 6 किलो का अंतर मुझे मालूम मिला था सर। 6 किलो का अंतर मैंने चेक किया, उसके बाद मैंने एक एक टेस्ट वेट से सब एक एक चीज चेक कराई, सभी किसानों के सामने एक एक संतुष्ट रहे। मैंने 100 kg से लेकर के उसको 1380 तक टेस्ट वेट चेक कराया, प्रॉपरली अपने हिसाब से सही चल रहा है, चला रहे हैं। अपन ने एक एक 100 kg प्लस किया, 100 kg माइनस किया, अपनी एक्यूरेसी वही 2 kg प्लस माइनस से चली है, बाकी कोई अंतर नहीं दिखा है। तो आज किसान आपकी बात को लेकर संतुष्ट है? सर ये तो आप वो उनके सामने ही सब उनके सामने ही सब नहीं, किसानों के सामने जब तक आपने करा था तो किसानों को क्या कहना पड़ रहा था? उनका यही कहना था कि सही चल रहा है, अभी तक पारदर्शिता के तहत आपने पूरा किया। बिल्कुल पारदर्शिता के तहत। ग्राम रिपोर्टर बिन्नी कपूर की रिपोर्ट।